नमस्कार माधव टेलीविजन रा न्यूज टाइम को आपन मन को स्वागत करूची मुमरनमई खबर आरंभ करिया पूर्वरु प्रथमे बड़ खबर आसंता त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन पई शेष हेला प्रार्थी को नामांकन दाखल प्रक्रिया शेष दिन रे उपजिलापालांको ऑफिस सम्मुख रास्ता पालटिला जनसमुद्र 25 तारीख रो चुडांत तालिका प्रकाश परे जमीबो प्रचार मैदान पंचायत निर्वाचन पूर्वरु बिरला टायर्स कार्यक्षम पई 7 गोटी संगठन रो श्रमिक नेता माने मुख्यमंत्री को कले निवेदन विभिन्न दाबी नै ग्राम पंचायत उन्नयन परिषद एवं गोचर संपत्ति ओ जनता स्वार्थ सुरक्षा मंच पक्षरु मिलित गणधारणा तीव्र आंदोलन रो चेतावनी बड़ेखान गाजी पीर बाबा ट्रस्ट पक्षरु असहाय लोकंकु कंबल बंटन संगठन रो एही बदान्य कार्य को साधारण रे प्रशंसा वर्तमान संपूर्ण खबर आसंता त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन पई गत 17 तारीखरु विभिन्न पद निमन्ते आरंभ होइतिबा नामांकन पत्र दाखल प्रक्रिया रो शुक्रवार थिला शेष दिन एही शेष दिन रे पंचायत कार्यालय ठारु आरंभ करी ब्लॉक ऑफिस एमिति कि उपजिलापालक कार्यालय रे प्रार्थी माने बहु संख्या रे नामांकन दाखल करितिबा देखिबाकु मिलितिला तेबे शेष दिन रे वार्ड सभ्य सरपंच ओ समिति सभ्य तुलना रे जिला परिषद सदस्य पद पई प्रार्थी को नामांकन बेस गुरुत्व बहन करितिला त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन रे जिला परिषद सभ्य पद पई दलीय टिकट आवश्यक थिबा बेले नामांकन बेले विभिन्न राजनैतिक दलर प्रार्थी को समेत दलीय नेता ओ समर्थकों उपस्थिति देखिबा को मिलितिला शेष दिन रे विभिन्न जिला परिषद पद जोन रे बीजेडी बीजेपी कांग्रेस सीपीआई सीपीएम एमिति कि आप दलर अधिक प्रार्थी माने नामांकन पत्र दाखल करथिले प्राय प्रत्येक दलर प्रार्थी दलीय नेता ओ सहयोगी को गहन रे शांतिपूर्ण पदयात्रा रे आसी उपजिलापाल को प्रार्थी पत्र प्रदान करथिले उपजिलापाल को कार्यालय को प्रार्थी को समेत केवल जणे किंबा दुई जण समर्थक ओ प्रस्तावक जाउथिले कोविड कटकणा को दृष्टि रे रखि निर्वाचन आयुक्त को मार्गदर्शिका अनुसार प्रशासन ओ पुलिस पक्षरो विहित पदक्षेप निया जाइथिबा देखिबा को मिलिथिला सबुदिन भली पूर्वाह्न 11 ठारु आरंभ होई नामांकन प्रक्रिया अपराह्न 3टा पर्यंत चालिथिला तेबे प्रार्थीपत्र दाखल करुथिबा प्रार्थी ठारु आरंभ करी दलीय नेता ओ कर्मी पर्यंत समस्ते बेस उत्साहित थिले प्रत्येक दलर नेता प्रार्थी विजय संभावना को नहीं आशावादी थिबा लक्ष्य करा जायछि 2017 निर्वाचन भली चलित पंचायत निर्वाचन रे वार्ड सभ्य ठारु आरंभ करी जिला परिषद सभ्य पर्यंत आशातीत सफलता मिलिबो बोली बीजेडी जिला सभापति तथा पूर्वतन सांसद रवींद्र कुमार जेना कहिछंती लोकप्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायकंक लोकाभिमुखी योजना कार्यकारी रे राज्यवासी बेस आश्वस्त एभली स्थिति रे बालेश्वर रे बीजेडी प्रार्थी को सर्वाधिक सफलता मिलिबो बोली श्री जेना आशा प्रकाश करिछंती निश्चित भाव में आम आशा रखु माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक नेतृत्व में सारा ओडिशा आगे चलती बालेश्वरवासी 2017 आम मन को जो भाई भाव मतदान करते एथर ठूँ अधिक मतदान पाइबू आशीर्वाद पाइबू ये आशा नहीं विजु जनता दल तरफ आम आगे चलचु आशा करचु निश्चित भाव में एथर रिजल्ट विजु जनता दल प्रति समग्र बालेश्वर जिले में बहुत भल हम देखु निर्वाचन आसिले विरोधी कथा रखे आम आम कथा रखु गत 22 वर्ष धरी ओडिशावासी प्रमाणित कर जे नवीन पटनायक होती अद्वितीय नेता एवं बारंबार भोट देशावासी सेवा करने आशीर्वाद करवासी आशीर्वाद रामें बहुमार आशावादी से ही चलित निर्वाचन में जिला परिषद सदस्य पदरे बीजेडी प्रार्थी आशातीत विजय नहीं दृढ़ोक्ति प्रकाश कर राज्य पर्यटन मंत्री ज्योति प्रकाश पाणिग्राही आमे सिमुलिया निर्वाचन मंडल विरोधी को धूली चटे सात रु सात जीतबो विजु जनता दल जो आधार इलेक्शन लड़ुचे से हूँ माननीय मुख्यमंत्री आदर्श एवं लोकसेवा अभिमुखी जो कार्यक्रम अच्छी आम समस्त जानचु माननीय मुख्यमंत्री जो भाव लोक सेवा कर प्रत्येक विपद समय तक ठियाई बात्या हो बन्या हो महामारी हो जेकोसी नेचुरल कालामिटी आम लोक पहुँची लोकंर असुविधा समय ढड़ाई क्रमगत भाव माननीय मुख्यमंत्री लोक सेवा कर गत काली देखते आप इंडिया टुडे जो सर्वे कर पुणी माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भारत श्रेष्ठ मुख्यमंत्री हिसाब से बेचित होती
ओडिशार 72 भाग लोक आस्था प्रकट करते ये दर्शाऊँ जो माननीय मुख्यमंत्री कौ प्रकार लोक सेवा करोड महामारी किभली सुपरिचालना है ता समस्त देशवास जानते आम समस्त जानू ता सहित आज गोटे ओडिया जातिर गर्व से सृष्टि करते जातिर गोटे स्वतंत्र परिचय सारा भारत नुह सारा विश्व से आज स्थापित करें गर्वित एभली जो नेता अंडर्रे नेतृत्व आम इलेक्शन लड़ुचु आम समस्त धन्य मन करुँ लोक मान सेवा करवा विजु जनता दल गोटे मात्र लक्ष्य और यही लक्ष्य नहीं आम कम कर लोक मान आशीर्वाद सब समय आम दल पर अच्छी देखो ये निर्वाचन आम लड़ुचु ये कर्म फर्सेस भाषण भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी केवल लोक मान प्रलोभन देखते मिथ्या भाषण देखते विजु जनता दल कर्म करके लोक मेरे विपद आपद समय रही लोक मान आशीर्वाद जीति निर्वाचन में आम समस्त प्रार्थी जितबे जिला परिषद समस्त प्रार्थी जितबे सरपंच मैंने समर्थित प्रार्थी जितबे समिति सभ्य मैंने जितबे वार्ड मेंबर मैंने जितबे कहीं लोक मेरे विजु जनता दल सब रही आसी अनुरूप भाव कांग्रेस नेता मैंने भी दृढ़ आशावादी जमापड़ आशा रखी लोक मान सेवा आशा तो आगे आसी आशा रखी जयजुक्त होबी बोली लोक मान समर्थन हेले जयजुक्त होबी लोक मान सेवा करी मोर ज्ञान आसवा दिन ठूँ मुझे देखुची बीजेडी ही मुझे ज्ञान आसला भोट देली जब जानूँ बीजेडी रो माने चलती टाइम तो मुझे देखिना कांग्रेस केमी राजनीति करमती कौन एकतरफा राजनीति हेले तो चलोनि आम तो अस्तव्यस्त हो गलु बीजेडी सरकार माने राजनीति परिप्रेक्षी में तेणु गोटे नुआ किसी कर देखार संभावन आगे आसू कांग्रेस गोड़ दे भावुची किसी भल नुआ कर देखी से ही आशे कांग्रेस भोट मानने पाद दे जयजुक्त होबी आशा रखुची लोक मानी किसी सरकारी योजना पहुँची पारुनि आम दोष सीधा सड़क सरकार को दे भी चलोनि आम कर्मी मान भी कि उणाधिक भूल रोच जहाँपाई गरीब गुरुआ लोक मैं जो सब सरकारी जिनस आसूस पाखे ठीक भाव में पहुँची पारे लोक पहुँचापी दौना से ही सबू परिप्रेक्षी से ही सबू अन्याय अनीति विरोध में आम सब बाहरी चु गरीब लोक सेवा करने 22 वर्षर शासन काल में जिला समेत राज्यवासी जीवन धारण मान ह्रास पाई बेले नाम को मात्र योजन साधारण लोके आउ भूली जिबे नहीं बोली जिला कांग्रेस सभापति संजीव गिरी कहिछंती निर्वाचन परिवर्तन धारा आरंभ हेबाकु जाउछि बोली से मत देइछंती कांग्रेस दल एथर जोरदार लड़ई दबो आमर बीजेडी बीजेपी को जोरदार लड़ई करिवो आमे आमर पार्लियामेंटरी कंसल्टेंट नवज्योति पटनायक अंत सेठी आम संगे अच्छा पूर्वतन सांसद मधुमिता पंडा अच्छा समस्त विधानसभा प्रार्थी मान नेतृत्व में बालेश्वर जिले में कांग्रेस दल एक जोरदार टेक्कर देव पाक कहार बहुत कथा अच्छी 22 वर्षर अपारग शासन नवीन पटनायक जिकि ओडिशा को गरीबरु गरीब करने को जाऊँ एक नंबर मुख्यमंत्री ओडिशा किंतु गरीब रे तीन नंबर ये होची ओडिशार अवस्था 22 वर्ष शासन काल रे केंद्र सरकार कथा न कहिले सरिबो आपण माने निजे जानिछन्ते केंद्र सरकार अवस्था कौन तेणु बीजेपी बीजेडी रो एही शासन व्यवस्था रो अपारग शासन व्यवस्था विरुद्ध रे विभिन्न प्रकार इश्यू अच्छी बालेश्वर जिले में मध्य कांग्रेस दल पाई बहु इश्यू अच्छी बीजेडी दल बालेश्वर जिले में दीर्घ दिन धरी शासन सबकि जितुले सुधा बालेश्वर सामग्रिक उन्नति में पांच पैसार भूमिका ना केवल एलईडी लाइट लगे व्यतीत एम बालेश्वर जिलार सामग्रिक उन्नति से स्वास्थ्य क्षेत्र रो से शिक्षा क्षेत्र रो से कृषि क्षेत्र रो एम पांच पैसार उन्नति करना एम नेता मान जो साहस अच्छे गोटे खुला मंच को आसतु आमको डाकतु तक दल आयोजन करूँ आम जीव से आम प्रमाणित करूँ जे एम बालेश्वर जिले में कौन से उन्नति करना अनुरूप भावे लोके एबे परिवर्तन चाहूंचंती बोली मत देइछंती सदर निर्वाचन मंडली नेता मानस कुमार दत्त दलीय भित्तिरे चालीथिबा सांप्रतिक शासन व्यवस्था रे साधारण लोके अतिष्ठ होई पड़िथिबा बेले चलित निर्वाचन रो फल बीजेपी सपक्ष रे जीव बोली श्री दत्त आशा प्रकाश करिछंती 2017 भी भारतीय जनता पार्टी को लोक आशीर्वाद करथिले भल मार्जिन भारतीय जनता पार्टी जीति आथर भी भारतीय जनता पार्टी लोकंर आशीर्वाद को पुंजी करके बहुत भोट्रे चारोटी जाक जोन में विजयी हम ना देखो तो पूर्व कथा अलग थिला आज सरकारी दल प्रति लोकंर अनस्था बढ़ी गाँ गंडार लोक सरकारी दल को कुलुषित कर सारे तेणु लोक मैंने निश्चित भाव में आमको आशीर्वाद करेंगे आम प्रार्थी मान जो चयन प्रक्रिया है प्रार्थी मैंने जो हिसाब से चयन होती मुझे 100 भाग आशावादी कि निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी सपक्ष में एथर पंचायत निर्वाचन जीव तो ये तो आम दृढ़तार सहित कहींपर भारतीय जनता पार्टी पूरा जिले में तार शक्ति को वृद्धि कर बाकी अंक कसार जमापड़ किए कर
सेहीबळी वामपंथी नेता ओ आप दलर नेता माने भी दलीय विजय संभावना को नहीं आशावादी थिबा कहिछंती। साधारण लोक गरीब लोक हंतसंत हेलेनी दरदाम वृद्धि एवं पंचायत रे व्यापक दुर्नीति जो दुर्नीति होउछि से दुर्नीतिर पर्दाफाश करिवे जनसाधारण एथर एवं सेमाने खोजुचंती उपयुक्त प्रार्थी तेणु सीपीआईएम एथर प्रायत जिले में 13 स्थान में आम दे 13 जिला परिषद जोन में देचु सीपीआई आउन्य स्थान में आम अन्न दल मान को जो मैंने सहयोगी दल अच्छा आम समर्थन करूँ निश्चित भाव में जो विकल्प से विकल्पटा एथर पंचायत रु ही गढ़ी तोल पंचायत निर्वाचन एवं जिला परिषद आम जो प्रार्थी प्रेमरंजन पात्र सुकांति जेना जे ठिया होती बाहानगर आज दवापाई एम समस्त विजय हवाटा सुनिश्चित। दलय नेता भाई नामांकन पत्र दाखल कर प्रार्थी मैंने भी निजर विजय संभावना को नहीं आशावादी थी सूचना देते लोकंको न्याय प्रदान सांगकु उचित सेवा जोगाइ देबा आभिमुख्य नै सेमाने प्रतिद्वंदिता करिबाकु आगे आसीथिबा बेले तांको प्रति भोटरक समर्थन निश्चित रहिबो बोली प्रार्थी माने मतव्यक्त करिछंती। मोर आशा रखिछु तो निश्चित भाबरे हम जितिया पें त आशा रखि सब लढै चलछि लढै मैदान ले जाहब जितिबा त निश्चित आशा रखिबो आ कथा जेतिबा हम जाउछु कितो आगामी दिन रे बीजेपी बीजेडी विरुद्ध रे हमरे लढै ए लढै होछु साधारण गरीब गरीबंकक स्वार्थ पै लढै गरीब गुरु लोकंक उपरे जे भली भाव रे आज अर्थनैतिक अवस्था बोझ उपर लड़ता पीड़ा सोची एवं विकास नारे जे भली भाव विनाश कथा कहउचंती आ विरुद्ध रे आमे लोकंक पाखुक जीवु ए होचो हमर वार्ता गरीब लोकंक विरुद्ध रे आज केन्द्र रे बीजेपी सरकार जे भली भाव रे साधारण लोकंक उपरे आज लदि देछि आज अर्थनैतिक निजुक्ति नाही दरदाम बढ़ी चलीछि आ विरुद्ध रे वार्ता को तो नबाकु पड़िबो ए गरीब लोकंकर कथा को तो आमे उठेबो ए कथा पे हम लड़े। कोविड कटकणा सत्वे नामांकन पत्र दाखल शेष दिन में उपजिलापा अफिस् सम्मुख रास्ता जनसमुद्र हो जा देखा मिलता 22 तारीख जांच और 25 तारीख पर्यंत प्रार्थीपत्र प्रत्याहार और से ही दिन चूड़ांत तालिका प्रकाश पाइब 26 तारीख रु प्रचार मैदान में उष्मता बढ़ी विभिन्न महलर मत प्रकाश पाई। दीर्घ 2 वर्ष धरी बंद रही बालेश्वर बृहत् शिल्पानुष्ठान बिर्ला टायर्स को कार्यक्षम करने निवेदन करिछंती बिर्ला टायर्स श्रमिक संगठन मिलित मंच। एही परिप्रेक्षी में स्थानीय सिद्धि कल्याण मंडप में आयोजित सांबादिक सम्मेलन में 7 श्रमिक संगठन नेता जोगदे सांप्रतिक स्थित बिर्ला टायर्स बेकार परोक्ष और प्रत्यक्ष 30,000 श्रमिकों दुर्दशा संपर्क में सूचना देते। बालेश्वर विकास दायित्व नहीं राज्यर 4.5 कोटी जनता मुखिया लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बिर्ला टायर्स बाबद बहुबार जनता सेमाने एमितिकि गत नवेम्बर 6 तारीख में विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना कार्ड बंटन पर बालेश्वर गस्त अवसर में मुख्यमंत्री को संगठन मानक पक्षर स्मारकपत्र भी दि जाइला मात्र ए बाबद मुख्यमंत्री कौन सी पदक्षेप ने मुंड उपरे पंचायत निर्वाचन थिबा बेले बालेश्वरवासी स्वार्थ और 30,000 श्रमिकों जीवन जीविका को गुरुत्व दे बिर्ला टायर्स को कार्यक्षम करने बाबद मुख्यमंत्री पदक्षेप नि श्रमिक संगठन नेता माने अनुरोध करिछंती। आज 7 गोटी श्रमिक संगठन नेतृवर्ग आसते आपने जानते आम नवेम्बर मसने माननीय मुख्यमंत्री ओडिशार जो 4.5 कोटी लोकों कथा जी बुझुच्छी पाखे आम नवेदन करूँ कितु आज पर्यंत कौन निष्पत्ति पार ना आज पुणी मुख्यमंत्री को आम नवेदन कलु जे आमर मुख्यमंत्री चाहिए ये इंडस्ट्री चली पार बालेश्वर जो 30,000 श्रमिक बेकार होकर पड़ते से खाइबापी आत्महत्या करूँ जो अवस्था से आमर दृढ़ विश्वास माननीय मुख्यमंत्री निश्चित भाव एक बुझे आगामी पंचायत निर्वाचन आगर जहाँ श्रमिक मान आज निष्पत्ति पुणी मुख्यमंत्री को आम विनीत हाथ जोड़ी समस्त विनीत नवेदन करुच्छू बालेश्वर जो अवस्थार श्रमिक मान अच्छा केमी त्राही त्राही कले केमी बचेवा दायित्व से ही केवल चाहिए बालेश्वर श्रमिक मान मुहर हस फुटि पार आजिकार जो बैठक होता जो समस्त यूनियन आसी केवल निष्पत्ति ने माननीय मुख्यमंत्री को आउ थ आम विनती करूँ जमी से फेब्रुआरी सुधा आम ये इंडस्ट्री चलने। श्रमिक नेता अरुण स्वाई सत्यनारायण आचार्य उपेन्द्र बेहरा शिवप्रसाद दास शेख मईउद्दीन अशोक राउत क्षीरोद बारिक
ପଞ୍ଚୁଗୋପାଳ କୋଇଲା, ବିରଞ୍ଚି ପ୍ରଧାନ, ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଆର୍ଯ୍ୟ ମହୁରିଆ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ଅଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରଭାତ ବାରିକ, ରବିନାରାୟଣ ଦାସ, ଦାମୋଦର ମାସନ୍ତ, ଧୀରେନ ମିଶ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ଶ୍ରମିକ ନେତା ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନା ସବୁଆଡ଼ୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ହେଲୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ରାଜ୍ୟ ମୁଖିଆ ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସି କହିଗଲେ କି ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର, ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କି ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ଶ୍ରମିକ ସମାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେଣି, ବିଶେଷ କରି ବିର୍ଲା ଟାୟାର ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଲୁଏଜର ଶ୍ରମିକ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଶିଳ୍ପ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବିର୍ଲା ଟାୟାର ଇସ୍ପାତ ଲୁଏଜର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ଏ ଶ୍ରମିକ ସମାଜ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଶ୍ରମିକ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ନୂଆଗାଁ, ଶେରଗଡ଼ ଓ ବିରୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଏବଂ ଗୋଚର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଜନତା ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଗଣଧାରଣା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିଷଦର ସଭାପତି ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ମହେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, କନ୍ଦା ସିଂ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଜେନା, ଗଣପତି ମଲ୍ଲିକ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ମଲ୍ଲିକ, ଶ୍ରୀଧର ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଓ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଦୌ ଜନବସତି ନଥିବା ରେମୁନା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଚାଗଡ଼ ଉଥୁଳି ମୌଜାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ କରିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବାରୁ ଶେଷରେ ଗଣଧାରଣା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ପରିଷଦ ଓ ମଞ୍ଚର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା ଧନଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ ପଞ୍ଚାଗଡ଼ ଶେରଡ଼ ଠାରୁ ଦୀଖାପଦା ଭାୟା ପଞ୍ଚାଗଡ଼ ଦେଇ ରାସ୍ତା ଦୀଖାପଦା ବାହାଳ ଉଚ୍ଚଳ ହେଁଚୁଳା ହେବା କଥା ଜନବସତି ଜାଗାରେ, ସେଇଟା ବିଫୋର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଅନରେବୁଲ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେ ଏଇଟା ଜନବସତି ଜାଗାରେ କରାଯାଉ, ଯିଏକି ପଞ୍ଚାଗଡ଼ ଆର୍ଆଇ ରେମୁଣା ତହସିଲ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଦୁଇଟା ଖାତାରେ ଗୋଚର ସମ୍ପତ୍ତି ସେଇଟା ଉପରେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇଟା କାମ କରିଦେବାନି, ତାକୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଟା କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଘର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋରୁ ଚରିବା ପାଇଁ ତା ଚାରଣ ଜମି ଉପରେ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଅକୁପାଇ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଶାସନ ଦେଲା ପରେ ସେଠୁ ଆର୍ ଡି ବିଭାଗ ସେଠି କାମ ନ କରି ଯେଉଁଠୁ ଜନବସତି ସେଠି କରୁଛନ୍ତି ବାଇଦା ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ସେଠି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ନାଁଟା ଡିସପ୍ଲେ ମାରିନାହାନ୍ତି ବୋର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଫାର୍ମ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଡ଼ିଆମଳ ଛକରୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଶେରଗଡ଼ ନୀଳଗିରି SAG ଗୋଡ଼ିଆମଳ ଛକଠାରୁ ଉତ୍ତରକୁ ସେ ଗୋଚର ପ୍ରପାର୍ଟି ଉପରେ ମାନେ ପାହାଡ଼ ପରି ସବୁ ମରମ ମାଟି ବାଲି ପଥର ପକାଇ ରାସ୍ତା କରୁଛି, ବ୍ରିଜ୍ କରୁଛି, ଏ ବାବଦରେ ଆମେ 6 times ରେସ୍ପେକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ବାଲେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଆର୍ଡିକୁ ଦେଇଛୁ, ଏବେ 10 ଏକର ଦେଇଛୁ PW ୱିଦାଉଟ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ବାଇ ଦ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ PW କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ସେ ବାବଦ ମୋର ଦେଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟକି ଆଜି 8 ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ବସିଛୁ ଧାରଣାରେ, ଯେ କମ୍ପାନୀକି ସେଠୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରୁ, ନିଜସ୍ୱ ଜାଗା କିଣିକି ସେ ତା'ର ପର୍ସନାଲ୍ ଜାଗା କରିକି ତା'ର କମ୍ପାନୀ ରାସ୍ତା ନେଉ, ଏବଂ ଗୋଚରଟାକୁ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ କରିକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଚର ପାଇଁ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ମାଟି ବାଲି ମରମ ସବୁ ୱିଦାଉଟ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ସେଟାକୁ ତାକୁ ଏଭିକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ, ଏହି ବାବଦରେ ଆମେ ବସିଛୁ, ଆଜି ଆମେ 1 ଦିବସ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିଖି ପଞ୍ଚାୟତର ପନ୍ତାସ୍ଥିତ ବଡ଼େଖାନ ଗାଜି ପୀରବାବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସଂଗଠନର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଜନାବ ଆଇବୋଲି ଖାଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ପରିଖି ପଞ୍ଚାୟତର ପନ୍ତା, ଦଶିପୁର, ତଳବରେଇ ଓ ଦୁବ୍ଲାଗୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ବଗଦା ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଆଶାତୀତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟମାନେ କୌଣସି ସହାୟତା ନ ପାଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
असहाय मानक प्रशासनिक स्तर में कौन सी पदक्षेप निया गाजी पीरबाबा ट्रस्ट पक्षर कंबल बंटन पर निष्पत्ति निया ट्रस्टर कर्मकर्ता माने प्रकाश करते तबे आगामी दिन में विभिन्न पंचायत बसवास करुवा गरीब एवं असहाय व्यक्ति मानू ट्रस्ट पक्षर यथसाध्य साज्य सहयोग प्रदान करमकर्ता मैंने शेख आहेसानुल सहेल आब्बास खाँ असगर अली खाँ अलकास अली खाँ शेख इसराइल शेख अब्दुल कलाम हबीबुल्ला खाँ प्रमुख ट्रस्टर सदस्य मैंने कार्यक्रम में जोगद 150 ऊर्ध लोक कंबल प्रदान करते संगठनर यही कार्य को साधारण भूयसी प्रशंसा कर। खबर शेष करिया पूर्वरु बड़ खबर पुणी थरे आसंता त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन पई शेष हेला प्रार्थीक नामांकन दाखल प्रक्रिया शेष दिन में उपजिलापाला ऑफिस सम्मुख रास्ता पलटिला जनसमुद्र 25 तारीखर चूड़ांत तालिका प्रकाश पर जमीब प्रचार मैदान पंचायत निर्वाचन पूर्वर बिरला टायर्स कार्यक्षम पई 7 गोटी संगठनर श्रमिक नेता माने मुख्यमंत्री को कले निवेदन विभिन्न दाबी ने ग्राम पंचायत उन्नयन परिषद एवं गोचर संपत्ति और जनता स्वार्थ सुरक्षा मंच पक्षर मिलित गणधारणा तीव्र आंदोलन चेतावनी बड़ेखान गाजी पीरबाबा ट्रस्ट पक्षर असहाय लोक कंबल बंटन संगठनर यह बदान्य कार्य को साधारण प्रशंसा। माधव टेलीविजन न्यूज टाइम रे आज पाई इतिकी रहुची नमस्कार।